हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूँ स्वाति। दोस्तों, सर्दियों के मौसम में स्किन केयर जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी हेयर केयर भी है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में अगर हम अपने बालों की सही तरीके से देखरेख ना करें तो हमारे बाल रूखे और बेजान हो जाते हैं और हद से ज़्यादा गिरने लगते हैं। हेयर केयर रूटीन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है ऑयलिंग। इसके बिना कोई भी हेयर केयर रूटीन अधूरा है। हालांकि सर्दी का मौसम है तो ठंड की वजह से हम ज़्यादा हेयर केयर रूटीन फॉलो नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि हम कम से कम हेयर केयर रूटीन फॉलो करके सर्दियों में हेयर फॉल से बच सकते हैं। सो गाइज, इस वीडियो के जरिए मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सर्दियों में मैं हेयर केयर किस तरीके से करती हूँ, हेयर आयलिंग किस तरीके से करती हूँ। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ नारियल का तेल। मैंने एक साफ़ कटोरी लिया है और मैं ले रही हूँ 2 चम्मच नारियल का तेल। आप अपने हेयर लेंथ के हिसाब से क्वांटिटी ले सकते हैं, जितनी आपकी ज़रूरत हो। मैंने पतंजलि का नारियल तेल लिया है, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। अब इसे मैं हल्का सा गुनगुना करूँगी। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको तेल को ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बस आपको हल्का सा गुनगुना करना है। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी विटामिन ई की कैप्सूल। मैंने 2 विटामिन ई की कैप्सूल लिया है और इसे मैं कट करके इसका ऑयल निकाल लूंगी कैप्सूल से। इस तरीके से कट करके आपको कैप्सूल से ऑयल को निकाल लेना है। और इसे मिक्स कर लेना है। तो इस तरीके से मैं अपने आइलिंग के लिए DIY बनाती हूँ घर पे और अपने बालों पर अप्लाई करती हूँ। अच्छी तरीके से पूरे बालों में और बालों के जड़ों में अप्लाई करती हूँ और इसका इस्तेमाल मैं हफ्ते में एक बार करती हूँ। कम से कम अगर आप हफ्ते में एक बार भी इस तरीके से हेयर आइलिंग करेंगे तो आप सर्दियों में अपने बालों को रूखे और बेजान होने से बचा सकते हैं। सर्दियों का मौसम चल रहा है तो मैं इसे अपने बालों में लगाकर 2 दिनों के लिए छोड़ देती हूँ। ऐसा करने से मेरे बाल बहुत ही सॉफ्ट रहते हैं और सर्दियों में भी ड्राई नहीं होते हैं। तो ये मेरा था विंटर हेयर केयर रूटीन, विंटर हेयर आइलिंग रूटीन। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए कमेंट्स करके, और अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए फेसबुक पर और व्हाट्सएप पे, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट्स मिल सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, और जो सब्सक्राइब के बगल में नोटिफिकेशन बेल है उसे भी ज़रूर दबाइए ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। Thank you for watching my video. Love you my all subscriber, my all viewer.